रेखा पांडे और आप देख रहे हैं यान न्यूज। आज का हमारा ये शो ट्रेड फेयर पर है। 1980 के बाद हर साल ट्रेड फेयर भारत में मनाया जाता है। ये हर साल ITPO द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेयर है। ट्रेड फेयर में दुनिया भर से सैलानी आते हैं और इसमें दुनिया भर की कंपनियां आती है। यहाँ ऑटोमोबाइल, जूट, टेक्सटाइल, गारमेंट, पावर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आदि के मार्केट लगते हैं। ट्रेड फेयर में इस बार क्या क्या तैयारियां हैं बताने के लिए हमारी संवाददाता अनुश्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी अनुश्रुति, बताइए क्या तैयारियां चल रही है प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में इस बार भी हर साल की तरह ट्रेड फेयर मनाया जाएगा। इस बार ट्रेड फेयर को काफ़ी बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है। इस बार ट्रेड फेयर में काफ़ी बड़े पैमाने पर टेंट लगाए गए हैं और सिक्योरिटी को भी काफ़ी कड़ी किया गया है। आपको बता दें कि ट्रेड फेयर में छोटे और बड़े व्यापारियों को एक मौका मिलता है एक दूसरे से कनेक्ट करने का। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें देश और दुनिया से काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की। कैमरामैन अनीश के साथ मैं अनुश्रुति, IAAN न्यूज़। VVIP मेहमानों, बच्चों और पैसे वालों को ध्यान में रखते हुए मैदान में प्रतिदिन 80,000 की भीड़ की पूरी व्यवस्था की गई है। इस फेयर में पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए IAAN न्यूज़ में।